sir, investment in debentures. सबसे पहला चीज, एक कंपनी, एक फर्म या एक इंडिविजुअल किसी कंपनी के डिबेंचर में इन्वेस्ट करता है, आप पैसा इन्वेस्ट कर, आपके लिए ये डिबेंचर जो आप इन्वेस्ट की वो एसेट हुआ कि नहीं? आपने इन्वेस्ट किया ना, तो आपके लिए क्या हो गया? एसेट हो गया, क्योंकि ये एसेट है और आपने इन्वेस्ट किया, तो कंपनी डिबेंचर पे क्या देती है? इंटरेस्ट। तो इस बंदे को इंटरेस्ट रिसीव होता है, ये इंटरेस्ट उसके लिए क्या हो गया सर? इनकम हो गया, करेक्ट। नाउ याद रखो, किसी भी चीज को जब हम लोग परचेज करते हैं, किसी एसेट को, तो परचेज करने का एक कॉस्ट है, उस कॉस्ट में ब्रोकरेज ऐड होता है। सोच के देखो, एक घर खरीदे 20 लाख का, ब्रोकर 50,000 रुपया लिया, तो मेरा क्या पर 20 लाख लगा कि 20 लाख 50,000? तो मेरे लिए कॉस्ट क्या हो गया? 20 लाख 50,000। तो याद रखना, खरीदते वक्त ब्रोकरेज ऐड होता है कॉस्ट में, और जब हम लोग उस चीज को सेल करते हैं, तो याद रखना सेल प्राइस निकालते वक्त सेल प्राइस में से ब्रोकरेज, क्योंकि मेरे को रुपया कम मिलेगा। आज उस फ्लैट को हम 30 लाख में बेचे, 1 लाख रुपया ब्रोकरेज लगे, क्या मेरे घर में पूरा 30 लाख आया? 29 लाख आया। तो ब्रोकरेज को क्या करिएगा? माइनस करिएगा। समझ में आता होगा आपको चीज? क्लियर है तो सर? पक्का? श्योर। सेकंड चीज, तीसरा सबसे बड़ा गेम इंटरेस्ट। इंटरेस्ट में एक चीज याद रखना, कंपनी है ना, इंटरेस्ट डेली बेसिस पे नहीं देती है, क्योंकि कंपनी के पास बहुत काम है करने, तो कंपनी के यहाँ पे नॉर्म्स होता है बेसिकली। तुम्हारे जो सम्स आया वो तीन चीज के लिए, या तो कंपनी एनुअली इंटरेस्ट पे करेगी, मतलब साल में एक ही बार, या फिर हाफ ईयरली करेगी, या फिर मंथली इंटरेस्ट नहीं आता, यही होता है सिस्टम। अब चीज को समझना। हाँ, एक चीज और, इंटरेस्ट का अमाउंट हमेशा फेस वैल्यू या नॉमिनल वैल्यू पे ही कैलकुलेट होता है, कॉस्ट पे नहीं। आप 100 रुपए का डिबेंचर 120 में खरीदे, ब्याज आपको 100 पे ही मिलेगा, 120 पे नहीं मिलेगा। डिविडेंड भी उसी पे होता है, और आपका ये भी उसी पे होगा, ये ध्यान रखना, फेस वैल्यू पे। इस पे जब हम लोग इनटू इंटरेस्ट रेट कर देते हैं, इनटू अगर हाफ ईयरली है तो 6.12, ईयरली है तो 1 ईयर, और अगर क्वार्टरली है 3.12, ऐसे करके इंटरेस्ट निकलता है। नाउ यहां कुछ बात कर रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। सपोज करिए 100 रुपए का फेस वैल्यू का डिबेंचर है, ध्यान देना, तेरे को लेके बात करेंगे, ठीक है बेटा? 12% इंटरेस्ट हो गया, ये बोला, और कंपनी है ना हर 31 दिसंबर को इंटरेस्ट देती है, हर 31 दिसंबर। तुम्हारे पास ये डिबेंचर 1 जनवरी से है, 1 जनवरी से तेरे पास है, तेरे को ब्याज कब मिलेगा कंपनी से? 31 12, एकदम सही है, डरने का नहीं है अपने को कुछ, ऐसा कोई बात नहीं है। तो अगर अपने बात करें 100 का 12%, और पूरा एक साल का एक साथ देगी कंपनी, क्योंकि एनुअली है, करेक्ट है, इंटू 1 ईयर कितना होता है? 12 रुपया। ये तेरे को 12 रुपया 31 दिसंबर को मिल जाएगा, करेक्ट है? अच्छा, अपने देख रहे हैं 12 रुपया, हम तुमको समझाने के लिए इतना इजी वाला नहीं है, 12 रुपया आपको एक साल के बाद मिलेगा, टोटल 12 महीना होता है, तो हर महीने का कितना रुपया हो गया? एक तरीके से 1 रुपया, ये तो समझ में आता होगा ना, डिवाइड बाई 12 के, तो हर महीने का 1। क्यों बोले सर आप ऐसा, क्यों बोले? अब ये बंदा 1 जनवरी से लेके रखा हुआ है, 1 अगस्त आया, 1 अगस्त हम इसके पास गए, हमने भाई सुनो डिबेंचर देना, हमको खरीदना, इसको बेचना भी है, तो हम बोले कितने का? बोला 100 रुपए का लेंगे, फेस वैल्यू कितना? 100 रुपए। हमने कितने में देगा? बोला आपसे क्या तो प्रॉफिट, आप 100 में ले जाओ। अब एक बात बताओ,
जब 31 दिसंबर आएगा, अब 31 दिसंबर को कंपनी के रूप में ओनर ये रहेगा कि हम रहेंगे, हम रहेंगे ना, क्योंकि हम तो इससे ले लिए, तो कंपनी के रूप में ओनर कौन है। अच्छा, हम तेरे से कब लिए इस डेट को लिए? 1 अगस्त को, 1 अगस्त को, 1 अगस्त को एडी बिकेम द ओनर, हम बन गए ओनर। तो 31 दिसंबर को ओनर अब हम हैं। तो 31 दिसंबर जैसे ही आएगा, कंपनी अब इंटरेस्ट किसको देगा? इसको कि मेरे को? कितना रुपया देगा? क्या तुमको लगता है ये 12 रुपया पूरा मेरे को मिलना चाहिए? क्यों नहीं मिलना चाहिए? क्योंकि हम शुरुआत से ओनर। वेरी नाइस, वेरी करेक्ट। तो 1 अगस्त तक का इंटरेस्ट एक्चुअली सेलर को मिलना चाहिए था, करेक्ट है? सेलर को मिलना चाहिए था, करेक्ट है? तो जैसा भी उसको मिलना था 1 अगस्त तक का। 1 अगस्त तक कितना महीना होता है? 7 महीना। तो 7 मंथ का इंटरेस्ट मस्ट हैव बीन रिसीव्ड बाय सुमित, इस केस में सुमित। लेकिन क्या कंपनी को पता है तुम हो ओनर 7 महीने? तो तुम्हारे साथ गलत हुआ कि? तो तुम जब भी बेचेगा, हमको तो 12 मिलेगा, हमको पता है। तो एक्चुअली ये 12 का बेनिफिट कौन लेगा? तो तुम जब भी बेचेगा तो हमको मिलेगा। भैया देखिए, हम 7 महीना होल्ड किए, आप मेरे को 7 महीने का ब्याज दे। तो जब भी हम लोग खरीदते या बेचते हैं, हम लोग उस दिन तक का ब्याज सामने वाले को या तो देते हैं या उससे ले लेते हैं। समझ गए चीज को? तो वाइल परचेजिंग दिस पर्टिकुलर डिबेंचर को खरीदेंगे, आप देख रहे हैं फेस वैल्यू कितना था? 100। जिस दिन हम इस डिबेंचर को खरीदेंगे, उस दिन ये मेरे को बोला, भैया हमको है ना 110 रुपया आप दे दीजिए ब्याज व्याज सब। हम इसको 110 रुपया दिए ब्याज व्याज लेके। सर जी, इसका ब्याज कितना रुपया था ये बताइए? वेरी नाइस। इस 110 में इंटरेस्ट 7 था, समझ में आ गया हम लोग? सर आप निकाल सकते हैं क्या? ऐसे आप डिवाइड बाई 12 कर दी, 100 × 12% × 7 आ जाता, ये आ जाता 7 रुपया इसका। तो कॉस्ट प्राइस कितना हो गया मेरे लिए? मतलब ये 100 का चीज कितने में बेचा? 103 बेचा। हो सकता मार्केट प्राइस ज्यादा हो तो 103, मेरे लिए कॉस्ट 103 हुआ। सर आप तो लेकिन 110 रुपया दिए, तो आप अपना कॉस्ट 103 क्यों बोल रहे हैं? इसलिए बोल रहे बेटा क्योंकि ये जो 7 रुपया ना, ये मेरे को बाद में 12 मिलेगा, तो ये मेरे पॉकेट से थोड़ी गया, तो ये मेरे कॉस्ट का पार्ट कभी भी नहीं हो सकता। समझ में आता है चीज? क्लियर होता पक्का? सर ये ध्यान रखना, सपोज करो तुम चांदनी हो, हमने तुमको बोला भाई मेरे मोबाइल के लिए कवर लिया, तुमने अपने मोबाइल के लिए कवर लिया, उसका 200 रुपए लगा, मेरे मोबाइल का कवर का 300, टोटल कितने रुपए लगे तुम्हारे? 500, एक बार के लिए 500। बाद में तुम वो 300 हमसे ले लोगे, यस और नो, तुमको हम 300 दे देंगे। तो तुम अपने बुक्स में खर्चा कितना लिखेगा, 500 की 200? 200। मतलब जो खर्चा आपको बाद में रिकवर हो जाता है, वो कभी आपके कॉस्ट का पार्ट नहीं बन सकता, क्योंकि वो रुपया आपका नहीं लग रहा। आज हमारे घर में गैस का सिलेंडर आता है, 750 कुछ रुपया लग रहा है, 800 लग रहा है, लेकिन तुरंत आधार नंबर से लिंक किया हुआ जो अकाउंट है उसमें सब्सिडी आ जाती है। तो आपको नहीं लगता कि आपका 800 का सिलेंडर नहीं है? अगर 200 रुपया वापस गवर्नमेंट करता तो मेरा कॉस्ट कितना पड़ा सिलेंडर? 600। तो एनीथिंग विच इज रिकवर्ड सब्सिक्वेंटली कैन नेवर बी अ पार्ट ऑफ योर कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। समझ में आता है ये चीज? क्लियर होता? तो ये ध्यान रखना कि जो चीज तुमको वापस मिल जाता है वो तुम्हारे कॉस्ट का कभी भी पार्ट नहीं हो सकता। एनी प्रॉब्लम विद दिस थिंग? क्या क्लियर रहेगा ये चीज? तो हम लोग को हर बार जब भी कोई श्रम करना है तो ध्यान रखना। अच्छा, एक कॉन्सेप्ट लास्ट बचा, एक होता है कम इंटरेस्ट, एक होता है एक्स इंटरेस्ट। कम इंटरेस्ट का मतलब इंटरेस्ट जोड़ के, इंटरेस्ट के साथ। ये जो 110 था, इट वॉज कम इंटरेस्ट, इसके अंदर में इंटरेस्ट जुड़ा हुआ था। एक्स इंटरेस्ट मतलब एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट, मतलब इंटरेस्ट का अलग से पैसा लिया है,
उसका जो लिया वो तो लिया ही, साथ में इंटरेस्ट का भी लिया। अच्छा एक्स इंटरेस्ट में अगर यही सब में बोलता एक्स इंटरेस्ट 105, एक्स इंटरेस्ट 105, तो मेरे को एक बात बता, एक्स इंटरेस्ट प्राइस ऑफ दिस डिबेंचर कितना बोला 105। हमको एक बात बता, क्या ये 105 रुपया ही हम उसको दिए कि और भी दिए होंगे? क्या दिए होंगे और? करेक्ट वर्ड सर, हम इंटरेस्ट का 7 रुपया दिए होंगे, हम टोटल कितना रुपया दिए उसको? लेकिन ये 7 रुपया हमको रिकवर हो जाएगा ना। तो सर जी इंटरेस्ट 7 एंड कॉस्ट प्राइस 105। समझ में आता है ये चीज? क्लियर होता पक्का सर? कोई दिक्कत इसके अंदर में? ये ध्यान रखना ये मिस्टेक नहीं है। अब एक शॉर्टकट, जब कम इंटरेस्ट होना तो प्राइस को कम कर देना, कम 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 इंटरेस्ट, कम कम कर देना। इसलिए यहां माइनस हो गया, 110 में से 7 गए तो कितना आ गया कॉस्ट? एक्स इंटरेस्ट एक्सक्लूडिंग, कुछ करने का तरीका जो तुम्हारे लाइफ में एक्स हो जाती है उससे तुमको मतलब नहीं होना चाहिए, तो एक्स को भूल जाओ। समझ में आता है? याद रखोगे, ज्यादा सोचोगे तो तकलीफ ही होगा, नंबर कम आएंगे लाइफ में भी और एग्जाम में। समझ गए चीज? क्लियर है सर? पक्का है? थैंक यू।